नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शैरिन। जहां एक तरफ दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री की शराब घोटाले में लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें, तो वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी के बड़े मंत्री ने दे दिया है इस्तीफा और फोड़ा है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार का भांडा। जी हां, कल्याण मंत्री जो है उन्होंने आज आम आदमी पार्टी सरकार से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ जो है वो राजकुमार आनंद ने खोली है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पोल और बताया है आखिरकार कि क्यों दिया गया है सरकार की तरफ से राजकुमार आनंद ने ये इस्तीफा। जी हां, अरविंद केजरीवाल का भांडा फोड़ते हुए राजकुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा बताया है कि उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर भेज दिया है और इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ इसीलिए आए थे क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल ने जब देखिए कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना, आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहां रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए मैं किसी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। थैंक यू। तो अरविंद केजरीवाल जी का कनेक्ट हुआ था, उस बात से हुआ था। उन्होंने इंडिया गेट पे इस पे रामलीला मैदान में खड़े होकर जंतर मंतर पे खड़ा होकर कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आज राजनीति नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गया। इस्तीफा आपने किसको सौंपा? इस्तीफा मैंने भेज दिया सीएम ऑफिस। जंतर मंतर पर आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया तो उस पर अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि जब राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा और आज राजनीति नहीं बदली बल्कि राजनेता ही बदल गए। ये बड़ा भांडाफोड़ जो है ये राजकुमार आनंद की तरफ से केजरीवाल को लेकर किया गया है और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा है उन्होंने कि इस आम आदमी पार्टी का जन्म जो है वो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हुआ था लेकिन आज यही आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के दलदल में इतनी ज्यादा फंस गई है, मंत्री पद पर काम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। देखिए, एक तरफ जो है लगातार अरविंद केजरीवाल की पार्टी और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल और वकीलों के द्वारा देश की मोदी सरकार पर हमलावर है, पर आज वही किस तरीके से उन्हीं की पार्टी के नेता जो हैं वो आज अरविंद केजरीवाल की जो है वो करनी धरनी सब यानी कि पोल पट्टी खोलकर रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आज जिस पार्टी में नाम जोड़ा था कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे आज वही पार्टी किस तरीके से दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है, दलदल में फंस चुकी है और इसीलिए जो है वो राजकुमार आनंद ने, समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने पार्टी और सरकार में भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल की बदली हुई नीयत को लेकर सवाल उठाया है तो वहीं दूसरी तरफ तीसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है, यानी कि राजकुमार आनंद ने ये तक कहा है कि मैं समाज का बदला चुकाने के लिए मंत्री बना हूं, ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो कि हमेशा ही दलित प्रतिनिधि की बात कर रही करने से जो है वो पीछे हटती है। यानी कि देखिए, एक तरफ जो है वो हर समाज का विकास करने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज किस तरीके से पोल पट्टी जो है वो राजकुमार आनंद ने खोली है और बताया है कि किस तरीके से दलित समाज के हितों की बात नहीं करती है ये आम आदमी पार्टी और सरकार और इसीलिए वो इस पार्टी के यानी कि पद से इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कि समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा जो है वो राजकुमार आनंद के द्वारा दे दिया गया है। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार शराब घोटाले में घिरते जा रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जो है ये सबसे बड़ा झटका है क्योंकि एक तरफ वो लगातार इस बात को लेकर
लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, हमने दिल्ली के हर वर्ग के लिए काम किया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारी पार्टी हमसे जो है वो काफी ज्यादा डर है। पर वहीं दूसरी तरफ इसी सरकार के मंत्री आकर ये खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से पार्टियों की नीति और सरकार के और भी मंत्री और नेताओं की बदली हुई नीयत के चलते उनके लिए काम करना कितना ज्यादा कठिन हो गया है। यानी कि जो पार्टी और सरकार अपने आप को स्वयंभू ईमानदार बताती है, आज उसी पार्टी और सरकार के जो मंत्री हैं वो खुद जनता के सामने आकर ये बात कह रहे हैं कि इस पार्टी में हम काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है अरविंद केजरीवाल सरकार। देखिए, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और क्या आखिरकार और भी चीजें जो हैं वो आज राजकुमार आनंद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही गई हैं, आप भी जरा नजर डालिए कि किस तरीके से पोल पट्टी जो है वो राजकुमार आनंद जो है वो आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर खोल रहे हैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार बंधुओं को, मेरा नमस्कार, मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था, उसी के वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी एनजीओज में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना कि लोगों की सेवा होगी। लोग और मैं यहां आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहां 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। जैसे पिछले दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती की, जिसमें लाखों रुपए सैलरी थी, हजारों नहीं लाखों रुपए सैलरी थी, 2-2 लाख रुपए सैलरी थी, और उसमें दलितों को कोई भी जगह नहीं दी गई, दलितों को बिल्कुल नहीं लिया गया उसमें। तो मैं एससी एसटी का भी मंत्री हूं, समाज कल्याण मंत्री भी हूं, अगर ये मेरे होते हुए ये सब काम ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहां होना जायज है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है, जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं।
हालांकि बात ये नहीं है कि मैं ऊंची जाति और नीची जाति की बात कर रहा हूं, हम सब एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं, हम सबका एक साझा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात, प्रपोर्शन की बात करना कोई गलत बात नहीं है। तो इन सब चीजों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूं कि मैं इस पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आप सब ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इस्तीफा भेज दिया है? हाँ, मैंने इस्तीफा। सर, आपको क्या लगा कि आप इस्तीफा देने की वजह क्या इस्तीफा? अभी तो मैंने बताया, लेकिन अचानक ऐसे समय में इतने वो दिया है जबकि बिल्कुल लोकसभा चुनाव सर पर है। देखिए, ऐसे समय और वैसे समय की बात नहीं होती, आदमी घुट रहा होता है, घुटते घुटते एक दिन खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कल से पहले ऐसा लग रहा था कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहां गड़बड़ है, इसलिए आपने इस्तीफा दिया। हाँ, इस्तीफे की बजाय मैंने आपको बता दिया। सर, आज सीएम हाउस पे बैठक थी, आप भी कहते हैं? नहीं, वो मैंने किया, वही तो मेरा मतलब है कि दलित मंत्री को रख लिया जाता है और जब बात आती है तो कॉर्नर मीटिंगें चालू कर दी जाती हैं। तो रखते क्यों? कोई वहां कुछ फैसला हुआ हो, कुछ ऐसा? कुछ नहीं पता। एक बार छोटा सा एक वाला बोल दो, क्या रिपीट कर दो? एक बार रिपीट कर बचे बचे एक छोटा सा। मैंने सभी आज मैं अपने सभी पदों से और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, और ये सब करने के बाद मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से राजकुमार आनंद ने जो है वो छोटे से लेकर बड़े बिंदुओं को हाईलाइट किया है और बताया है कि वो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया है। और इसी के साथ उन्होंने एक बात और स्पष्ट की है कि वो आम आदमी पार्टी सरकार को छोड़कर किसी और अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो वही आम आदमी पार्टी फिर एक बार ये बात कहेगी कि हमारी मंत्रियों को करोड़ों रुपए का लालच दिया गया है। पर यहां पर राजकुमार आनंद ने साफ बताया है कि वो अपनी सरकार से इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और अपने समाज के लिए आवाज, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दलित समाज के लिए आवाज नहीं उठा रही थी, यही तमाम ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपने पद यानी कि समाज कल्याण मंत्री के पद से आज इस्तीफा दे दिया है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।